अगर आपको कहा जाए कि अगर आप अपने दिमाग का 95% तक उपयोग करोगे तो आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे, आपको भविष्य का भी पता चल जाएगा, है ना ये हैरानी करने वाली बात, किंतु क्या ये वाकई में सच है? क्या ऐसा हो सकता है? अद्भुत और विश्वसनीय किंतु पूरी तरह से सच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक ऐसे YouTube चैनल में जो आपको हर नए दिन कोई रोचक जानकारी से अवगत कराता है। ये सफर यूं ही जारी रहेगा, इसके लिए हमें आपका सहयोग की जरूरत हमेशा रहेगी। आपको करना बस इतना है कि YouTube देखते देखते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर कमेंट करें ताकि हम और नई जानकारियों को आप तक ला सके। आज हम आपको मनुष्य के दिमाग के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर काफी शोध भी हो रही है। एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है। हॉलीवुड में तो इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। लूसी शायद आप में से कई लोगों ने देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की एक ड्रग की मदद से अपने दिमाग 100% हिस्सा एक्टिव कर देती है और फिर उसके साथ क्या होता है। इस फिल्म बेहद रोमांचक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। खैर, अब अगर हम फिल्म से हटकर रियल लाइफ की बात करें तो दिमाग को लेकर कई शोध किए गए हैं और उन्हीं के आधार पर बताया गया है कि एक इंसान औसत अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करता है। वेल माइंड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक इंसान औसत रूप से अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। इंसान की पूरी जिंदगी और उसकी पूरी क्रिएटिविटी दिमाग के इसी 10% हिस्से के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसके दिमाग का बाकी 90% हिस्सा बिना इस्तेमाल हुए ऐसे ही बचा रह जाता है। वैज्ञानिकों के कई शोध में पता चला है कि दिमाग का सभी हिस्से में एक्टिविटी नहीं होती, इंसान के दिमाग का आधे से ज्यादा हिस्सा एक्टिव ही नहीं रहता। fMRI के वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में पाया कि जब इंसान अलग अलग तरह के दिमागी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और दिमाग तेजी से काम करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आपको अपने दिमाग को तेज चलाना है तो उसे दिमागी कसरत कराना ही होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग उसके शरीर से हर रोज 20% एनर्जी सोख लेता है या फिर इस्तेमाल करता है। हालांकि दिमाग शरीर से लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल शरीर को ही सुचारू रूप से चलाने के लिए करता है, यानी आपके हाथ पैरों के मूवमेंट से लेकर आपके बोलने और सोचने तक में दिमाग इसी 20% एनर्जी का इस्तेमाल करता है। आपसे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी